महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था, सब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। जैसा अभी कहा गया, आप जिन मेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली हैं। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे डॉक्टर रखे जाएंगे जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। सभी मेडिकल कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहाँ जितनी अधिक सुविधा होगी उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है, विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में। पिछले जो दो युद्ध हुए उनमें जहां एक ओर अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए, वहीं दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे वे अब काबू में आ गए हैं। इससे जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस विद्या से लाभ उठाए या उसे हानिकारक बनाए। यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहां एक ओर इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है, वहां उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक, चाहे वे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए, ना कि विनाश। और जब सभी लोग इस ध्येय को अपने सामने रखेंगे तो इस देश के वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रगति होगी वह संसार तथा मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी होगी, विनाशकारी नहीं, ऐसा हमारा विश्वास है। यही दूसरे लोग भी समझते हैं। उनके साथ साथ किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें सुनी।